मित्रों बटरफ्लाई क्रंचेज जो कि हमारे इनर थाई को ओपन करेगा, ग्राइन एरिया को ओपन करेगा, हमारे प्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी एक्टिवेट करेगा और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को तो कर ही रहा है। तो इसके लिए हम बटरफ्लाई में आ जाते हैं। कहाँ हो, लेट गए, इनहेल एक्सहेल करते हुए और दोनों पैर को बारी बारी से फोल्ड करेंगे और जमीन में जितना नीचे फोल्ड हो सकता है, यहाँ वाइडर जितना आप फैला सकते हैं, आप अपने कस्टम के मुताबिक यहाँ फैलाइए। और यहाँ हम अक्सर क्रंचेज में यहाँ रखते थे, अभी इसे वाइड कर देना, जितना वाइड आप कर सकते हैं। और यहाँ हम ऐसे उठाएंगे, ये हमारा बटरफ्लाई क्रंचेज है मित्रों। तो आइए हमारे साथ ब्रीदिंग के साथ सीखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ हम अपने रेक्टस एब्डोमिनस पर तो काम कर ही रहे हैं, इसके साथ ही इनर थाई पर भी काम कर रहे हैं। कई लोग ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते क्योंकि यहाँ स्टिफनेस टाइटनेस आ जाते हैं और इसी के कारण उनके जांघ दर्द होते, कमर भी दर्द होने लगते हैं। तो इससे अपने जांघ पर भी काम कर रहे हैं। तो आइए बटरफ्लाई क्रंचेज। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यह आपको जितना वाइड हो रहा, अगर जमीन में सट रहा तो जमीन में सटा के आप कर लीजिए। और यह बटरफ्लाई क्रंचेज करके आप बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह ही तंदुरुस्त, चुस्त और मस्त बन जाइए।